हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल बर्गर, जिसे घर पर बनाना बहुत आसान है और खाने में तो इतना टेस्टी होता है कि आप मैकडी जाना भूल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वेजिटेबल बर्गर। इसके लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। यहाँ मैं 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बारीक कटी हुई गाजर, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 5-6 कली लहसुन की बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़े से फ्रोजन मटर लिए हैं। तो सबसे पहले हम प्याज और हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम ही रखा है। हम इसे 1 मिनट के लिए सेकेंगे। हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट के बाद मैं यहाँ लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर दूंगी और इसे हम आधा मिनट के लिए सेक लेंगे। आधा मिनट के बाद मैं यहाँ शिमला मिर्च और गाजर को भी मिला रही हूँ। मटर मैं अभी नहीं मिला रही हूँ क्योंकि मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ किए हैं। यदि आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो इसी समय ऐड कर दीजिए। और साथ ही मैं यहाँ नमक मिला रही हूँ ताकि हमारी सब्जियाँ जल्दी से कुक हो जाए। अब मैं फ्रोज़न मटर भी मिला देती हूँ। 2 मिनट के बाद मैंने फ्रोज़न मटर मिलाया है और फ्रोज़न मटर मिलाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए इसे कुक कर लूँगी। अब मैं यहाँ कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिला रही हूँ। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ 1 कप पोहा को पानी में भिगोकर सुखाकर ले लिया है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। पोहा से टिक्की हमारी बहुत क्रंची बनेगी। तो सारे मसाले हमारे कुक हो चुके हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब मैंने एक बाउल में बॉयल और मैश किए हुए आलू लिए हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप 2-3 घंटे पहले आलू को बॉयल कर लीजिए ताकि उसमें पानी ना रहे। यहाँ मैंने 5 से 6 आलू को लिया है। अब हम इसमें अपना बनाया हुआ मसाला ऐड कर लेंगे। और अब हम कुछ मसाले इसमें मिलाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ 1/2 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला मिला रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ 1 नींबू का रस मिला रही हूँ। आप चाहे तो अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ थोड़ा नमक भी मिला रही हूँ। और साथ ही मैं यहाँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला रही हूँ। इससे हमारी टिक्की को अच्छी बाइंडिंग मिलेगी। और अब हम इन सभी मसालों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका डो जैसा बना लेंगे। तो हमारे सभी मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। यहाँ मैं बड़े साइज की टिक्की ले रही हूँ क्योंकि मेरे बन बड़े हैं। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कैसी भी ले सकते हैं। तो ये हमारी 1 टिक्की बनकर तैयार है। इसी तरह हम सारी टिक्की बना लेंगे। तो ये हमारी सारी टिक्की बनकर तैयार है। अब मैंने यहाँ 4 चम्मच मैदा को पानी में घोल लिया है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखी है। और साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टिक्की को मैदा के घोल में डिप कर लेंगे और फिर हम ब्रेड क्रम्स से इसे कोट कर लेंगे। इसी तरह हम अपनी सारी टिक्की बना लेंगे। इससे भी टिक्की में क्रंचीनेस आएगा। और ये हमारी सारी टिक्की तैयार है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मैं इसे सेलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो टिक्की को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक साथ 3 टिक्की फ्राई कर रही हूँ। टिक्की फ्राई होती है इतनी देर मैं यहाँ 1 बाउल में 2 चम्मच मेयोनीज ले रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ 2 चम्मच टोमेटो केचप ले रही हूँ। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच ओरिगानो और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स मिलाया है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और हम मेयोनीज का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी है। साथ ही मैंने यहाँ
एक प्याज और एक टमाटर को स्लाइस में काट कर ले लिया है और हमारी टिक्की एक साइड से सिक कर तैयार है। इसे हम पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। ये देखिए कितना गोल्डन ब्राउन कलर आया है। हमने टिक्की को बिल्कुल नहीं छेड़ा था क्योंकि बार बार छेड़ने से टिक्कियाँ टूट जाती हैं। अब हम अपने बन भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इस टाइप के बन लिए हैं, इन्हें हम बीच में से काट लेते हैं। यदि आपके यहाँ इस टाइप के बन नहीं मिलते हैं तो आप पाव का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अपने सारे बन को बीच में से कट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ एक तवे पर थोड़ा बटर लगाकर ये बन को सेक लूँगी। हमें बन को बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम अपने सारे बन सेक लेंगे। तो हमारी टिक्की दूसरी साइड से भी सिक कर रेडी है। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो हमारा समय भी बर्बाद नहीं हुआ, हमारी टिक्की सिकी, इतनी देर हमने बाकी सारे काम कर लिए। तो अब हम बर्गर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक साइड में मेयोनीज वाला पेस्ट लगाते हैं, इससे बर्गर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब मैं यहाँ टिक्की लगा रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ स्लाइस वाली चीज़ लगा रही हूँ। यदि आपके पास ये वाली चीज़ नहीं है तो आप प्रोसीड चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ स्लाइस में कटा हुआ टमाटर और प्याज लगा रही हूँ। अब हम बन के दूसरी साइड में ये मेयोनीज वाला पेस्ट लगा लेते हैं और हम इसे कवर कर देंगे। तो ये हमारा एक बर्गर रेडी है। इसी तरह हम सारे बर्गर बना लेंगे। अब बर्गर बनाने के बाद मैं यहाँ एक तवे पर वापस बटर ले रही हूँ। ये प्रोसेस आप करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम रखा है और हम इसे एक टोपिए से ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। इससे हमारी चीज़ भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है और हमारे टमाटर और प्याज भी थोड़े सिक जाते हैं। तो ये लीजिए, हमारे बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा।